संस्था नौगावा ने नौगावा तहसील के ठोकदार वास में बालिका शिक्षा व सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत बालिकाओं ने केक काट कर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर पूनम गोयल थी। इब्तिदा संस्था ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में रामगढ़ क्षेत्र के 21 गांवों के लगभग 500 बालिकाओं ने भाग लिया। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल ने मंच से संबोधित किया कि इब्तिदा संस्था के द्वारा समाज हित में बालिकाओं के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारे देश में महिलाओं के प्रति सती प्रथा जैसी कुरूतियां अंत तक किया जा चुका है और शेष पर भी जल्दी ही अंकुश लगा दिया जाएगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं शिक्षा खेल व अन्य क्षेत्र में आगे आई हैं और महिलाओं का विकास हुआ है। महिलाओं को भी अपनी शक्ति का एहसास हुआ। मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह ने मंच के माध्यम से कहा कि ऐसा कानून पारित किया जाना चाहिए जिससे कि विधानसभा व लोकसभा में भी महिलाओं को बराबर दर्जा मिले। इब्तिदा संस्था की तरफ से खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इब्तिदा संस्था के परियोजना समन्वयक दयाराम सावरिया ने बताया ग्राम ठोकदार बास में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 21 गांवों की बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर की लैंगिक असमानता को खत्म करना है और साथ में बच्चियों की जिंदगी जीने में जो प्रॉब्लम है इनका कैसे हल किया जाए, इसी के सोच के साथ साथ जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। बालिकाओं ने बाल विवाह, बाल शिक्षा, भ्रूण हत्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि सामाजिक बुराइयां इंसान के जीवन को तबाह करती हैं, उन्हें ऐसी कुरूतियों का त्याग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर पूनम गोयल, मुबारकपुर सरपंच भूपेंद्र सिंह, उप सरपंच गुरविंदर सिंह, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ विश्राम गोस्वामी, तीदा कार्यकारी समन्वयक यतेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम दयाराम है और मैं इब्तिदा में परियोजना समन्वयक के पद पर नौगांव ब्लॉक में काम कर रहा हूं। मित्रों, आज ग्राम ठोकदार वास में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 21 गांव की बालिकाओं ने, खासकर किशोरियों ने भाग लिया, लगभग 450 से 500 के बीच में। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि समाज के अंदर जितने भी जेंडर गैप्स आ रहे हैं या लैंगिक असमानताएं आ रही हैं उनको खत्म करना है और साथ में बच्चियों की जिंदगी जीने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन किया जाए, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इसी सोच के साथ में इब्तिदा जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चियों ने आज बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी और बड़ी ही जागरूकता लाने का की प्रयास किया है, खासकर बालिका शिक्षा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, भ्रूण हत्या को लेकर, जितने भी सामाजिक अभिशाप हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों के प्रति ग्रामवासियों का, बच्चों का, लोगों का ध्यान आकर्षित किया है कि ये सामाजिक बुराइयां इंसान के जीवन को तबाह करती हैं, कृपया ऐसे गलत चीजों को छोड़ें। इब्तिदा के द्वारा रामगढ़ ब्लॉक में जो काम किया जा रहा है, खासकर बच्चियों के साथ में, उसमें यही मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चियों को आगे बढ़ाइए, बच्चियों की जिंदगी को सरल और सहज बनाइए ताकि बच्चियां भी अपने सपनों को पूरा कर सके। जय हिंद, जय भारत।